हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ढिक्के सर मस्ती में। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि DCLR यानी कि DCLR के मतलब क्या होता है, DCLR के पास किस कंडीशन में केस फाइल कर सकते हैं, किस किस टॉपिक पर कर सकते हैं, इस सारी जानकारी आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। DCLR का काम क्या होता है, DCLR का मतलब क्या होता है, DCLR को फुल फॉर्म में क्या कहते हैं, इस सारी जानकारी को बढ़िया से आज इस वीडियो के माध्यम से आज जानेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको बताएंगे कि पूरा जमीनी विवाद जो होता है, आपको कोई हक नहीं दे रहा है, कोई जबरदस्ती आपको मतलब कब्जा किया हुआ है, दाखिल खारिज आपके पास नहीं हो रहा है, कोई रजिस्ट्री में त्रुटि है, कोई प्लॉट या सर्वे में प्रॉब्लम है, इस सारी जानकारी आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, कोई भी स्किप मत कीजिएगा। नहीं तो अगर आपको प्रॉब्लम होगा, अगर DCLR के पास आपको जाना होगा, तो ये अगर वीडियो नहीं जानते हैं, नहीं देखिएगा, तो गड़बड़ा भी सकते हैं। तो चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक चला जाए। सबसे पहले बात करेंगे कि DCLR का फुल फॉर्म होता क्या है, ठीक है। तो ये आपको DCLR का फुल फॉर्म सबसे पहले होगा क्या, डी से होता है आपका डिप्टी, क्या होगा डिप्टी, ठीक है। सी से हो जाएगा आपका, सी से हो जाएगा आपका कलेक्टर, कलेक्टर, ठीक है। उसके बाद एल से हो जाएगा आपका लैंड, आर से हो जाएगा आपका रिफॉर्म्स, क्या हो जाएगा रिफॉर्म्स, यानी कि डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि इसका हिंदी अगर बताया जाए तो हो गया आपका डिप्टी कलेक्टर भूमि सुधार विभाग, यानी कि भूमि राजस्व सुधार करने का जो एक अधिकारी होता है उसको हम लोग DCLR बोलते हैं, जिसको डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स बोलेंगे, ठीक है। इतना तो समझ गए। अब बात करते हैं कि DCLR को केस अपील कैसे करें, ठीक है, और किस कंडीशन में करें। यह थर्ड नंबर में आपको जो लिखा हुआ है कि किस कंडीशन में करें, यानी कि क्या प्रॉब्लम आए कि हम लोग DCLR के पास जाए। ऐसे थोड़े है कि DCLR के पास कोई भी प्रॉब्लम है कि चले जाइएगा, राशन कार्ड बनवाने चले जाइएगा, आधार कार्ड बनवाने चले जाइएगा, ऐसे में जाइएगा तो DCLR आपको क्या करेगा जानते हैं, इतना मतलब धुनैया करेगा, धुनैया माने समझते हैं ना, ऊपर से इतना झरैया करेगा, धो धा के अंदर से भेज देगा, ठीक हो जाइएगा। यानी कि इसके पास डिप्टी कलेक्टर के पास आप ऐसे नहीं जा सकते हैं, कोई छोटा मोटा काम लेकर नहीं जा सकते हैं। अब बताते हैं कि इसके पास किस कंडीशन में जाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। DCLR के पास जाता है केस, जब जाता है वो किस कंडीशन में जाता है, सबसे पहले नंबर वन पर बात करते हैं कि मान लीजिए कि आपका रजिस्ट्री हुआ, क्या हुआ रजिस्ट्री हुआ, और रजिस्ट्री में आपका नाम गलत हो गया, आप नाम बताए सही, वहां छापा गलत, उस कंडीशन में आप केस फाइल कर सकते हैं, या आपका खाता नंबर आपका गलत हो गया, उस कंडीशन में भी कर सकते हैं, प्लॉट नंबर गलत हो गया, उस कंडीशन में भी कर सकते हैं, ठीक है, या चौहद्दी, चौहद्दी समझते हैं ना, अगर चौहद्दी में भी अगर प्रॉब्लम आ जाए तो भी आप कर सकते हैं। तो ये आप माने नाम में हो गया, खाता हो गया, प्लॉट हो गया, चौहद्दी हो गया, यानी कि रजिस्ट्री में जो भी आपको कोई प्रॉब्लम आया उसको DCLR के पास आप कंप्लेन कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। कंडीशन नंबर टू जानते हैं, कंडीशन नंबर टू, ये तो आपका सिंपल हो गया। अब जानते हैं कि मान लीजिए कि आपके घर में कोई भी है, कोई पट्टी पट्टीदार है, कोई खानदान है, कोई पूर्वज है, कोई वंशज है, आप उसी खानदान के हैं, आपका हक नहीं दिया जा रहा है, आपका हक ले लिया गया है, जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया है, आपको उसमें बेदखल कर दिया गया है, आप उसके अधिकार है, आपको हक चाहिए, तो ये चीज आपको मतलब नहीं दिया जा रहा है, तो इस कंडीशन में आप वहां जा करके क्या करेंगे, केस फाइल कर सकते हैं। केस फाइल कीजिएगा, कहाँ कीजिएगा, DCLR के पास कीजिएगा, तब जाकर के आपका सुनवाई होगा और रिजल्ट आपको मिलेगा, बहुत कम समय में मिलेगा, क्योंकि वहां कम समय दिया जाता है, एकदम मात्र 30 दिन का समय लिया जाएगा और उसी के अंदर आपका पूरा खेल कर दिया जाएगा। ऐसा कोई मतलब केस नहीं गया होगा DCLR के पास जिसको मतलब सोल्यूशन ना निकला हो, वहां गया कि आपका सोल्यूशन निकलना ही निकलना है, कोई धोखाधड़ी हुआ है आपके साथ। उसके बाद मान लीजिए कि दाखिल खारिज होता है, थर्ड नंबर में जान लीजिए, दाखिल खारिज होता है,
उसको आप दाखिल खारिज कराने जाते हैं तो कर्मचारी के पास जाते हैं, कर्मचारी आपको चेकअप करके कहाँ भेजता है, सीओ के पास भेजता है। सीओ का मतलब होता है सर्कल ऑफिसर, क्या होगा सर्कल ऑफिसर, ठीक है, यानी कि अंचल अधिकारी जो होता है आपका प्रखंड का सीओ के पास जाता है। अगर सीओ वहां से आपका दाखिल खारिज का पेपर रिजेक्ट कर देता है तो फिर आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। तो वहां से जब रिजेक्ट ये करेगा तो डायरेक्ट फिर आपको दाखिल खारिज कराने के लिए अपील कहाँ करना पड़ेगा, डीसीएलआर के पास करना पड़ेगा। और डीसीएलआर के पास आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, वहां पर एक वकील लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, वकील यानी कि एडवोकेट लेना पड़ेगा। उसके माध्यम से जाकर के आप दाखिल खारिज के लिए अपील कीजिएगा कि हमारा दाखिल खारिज रिजेक्ट किया गया है, नहीं हो रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जो रिजेक्ट किया गया है। तब जाकर के डीसीएलआर आपका पेपर जो होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, उसका रिसर्च करेगा, उसको समझ के उसके बाद जब गड़बड़ सरबर उसको कुछ दिखाई देगा तो जिससे आप जमीन खरीदे होंगे वहां पर उसका नोटिस जाएगा कि आप बताइए कि इसमें क्या दिक्कत है, ये चीज है आपका सही है गलत है, तो अपने पेपर से अगर मिलाएगा, अगर त्रुटियां होगा तो वहां जाकर के वो जो जो पार्टी आपको रजिस्ट्री ऑफिस जाकर रजिस्ट्री किया होगा वो अपना सुधार करवाएगा। फिर वहां से जब नोटिस आपको आ जाएगा, आपको एक नोटिस मिलेगा, किसको मिलेगा, सीओ के पास मिलेगा। जब सीओ के पास नोटिस आ जाएगा तो फिर आपका दाखिल खारिज क्या होगा, हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को। डीसीएलआर के पास आपको किस किस कंडीशन में जाना है आपको पता चल गया। डीसीएलआर का फुल फॉर्म आपको जान गया कि डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स। उसके बाद डीसीएलआर का काम का है कि ईस्ट कंडीशन में जाना होता है, यानी कि कोई भी त्रुटि हो जमीनी विवाद में, कोई भी दिक्कत हो तो वहां पर जा सकते हैं, डीसीएलआर अपील कर सकते हैं। उसके बाद केस फाइल कब कीजिएगा, यानी कि जैसे कोई हक आपको नहीं दे रहा है, कोई खदानी जमीन है उसमें हक आपका नहीं दिया रहा है, कोई भी हो रहा है, बिना आपका कोई जबरदस्ती कब्जा कर लिया, आपको नहीं बताया कुछ, उसमें धोखाधड़ी करा लिया, चुपके से सिग्नेचर करा लिया, तो वहां पर आप डीसीएलआर को कंप्लेन कर सकते हैं। दाखिल खारिज में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वहां पर भी आप कर सकते हैं। तो इस सारे सॉल्यूशन का कहानी आपको खत्म कहां जाकर के हो जाएगा, डीसीएलआर के पास हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखे होंगे, कुछ जाने होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।